ब्रांड विक्रम आर्ट्स एंड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत फिर से एक बार है। और आज ब्लॉग बन रहा है थोड़ा सा मोमोज के ऊपर, क्योंकि आज ना बच्चों ने अपनी मम्मी से थोड़ी सी डिमांड की है। ये स्कूल से आए थे और इनका ना मोमोज खाने का मन कर रहा था, तो ये इन्होंने आते ही मम्मी को बोला कि मम्मी मोमोज बाहर से मंगवा दो या आप बना दो। तो मैंने बोला कि भाई बाहर से तो आएंगे नहीं, घर पर बना दो। तो इनकी मम्मी तो आते हैं मोमोज बनाने, तो इसलिए घर के ही मोमोज बना रहे, क्योंकि घर के मोमोज में क्या होता है अपना ही सारा तेल सामान घी मसाले सब कुछ अपने होता है। और बाहर का तो आप सबको पता ही है कि उनको तो सिर्फ बेचना है, बाकी घी तेल तो सब उनका वही पुराना ही चल रहा होता है, मसाले भी सब बेकार के होते हैं। तो मैंने इनको परमिशन दी खाली घर के अपने मम्मी के हाथों की मोमोज बने हुए अगर बना सकते हो तो वो खा लेगा। और इसी में पता क्या है, एक बात और भी है कि बच्चों को फर्स्ट टाइम अपने मम्मी के हाथ के मोमोज खाने को मिले हुए। तो मैं आपको सभी को दिखाता हूँ कि मतलब मोमोज इनकी मम्मी कैसे बनाती है, वो मैं आपको सभी को दिखाता रहूँगा। जैसे भी बनता रहे वो सब मैं आपको बताऊँगा। तो मिलते फिर अभी धीरे धीरे जो भी यूज़ करते हो देखता हूँ। तो ये देखो दोस्तों, आज हम बच्चों की फरमाइश में एक तो मोमोज बना रहे हैं, ये उसकी तैयारी है मोमोज की। और ये गोभी और प्याज का मैश, ये गोभी और प्याज का मैश है। और ये देखो ये आलू गोभी की फ्राई सब्जी बन रही है। आज बच्चे बोल रहे हैं कि मम्मी परांठे और आलू गोभी की सब्जी और उसके साथ मोमोज। तो ये देखो ये पूरा ये सारा सामान अभी और हो जाएगा। इसमें चटनी भी बनाएंगे टमाटर की। अच्छा। और ये लाल मिर्च मैंने भिगो रखी है। अच्छा। और ये चीज है मोमोज के बीच में, मैं चीज भी डालूंगी थोड़ी। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो स्टीम की मैंने तैयारी कर रखी है, इसमें पानी डाला है। अच्छा। और इसमें घी लगा के या बटर, फिर इसमें मोमोज बना के रखूंगी, स्टीम से बन जाएंगे। अच्छा, तो मतलब आज एक स्पेशल डिश बनने वाली है। ठीक है, तो पाजी फिर तुसी करो तैयारी और फिर ऐसे बनाओ। ये देखो दोस्तों, अब हमने मोमोज की गोलियां बना ली है छोटी छोटी सी, और ये इसकी लाल चटनी है, और अब ये तैयारी उतर ली है। जो हमने मैश बनाया वो भरेंगे थोड़ा थोड़ा। अच्छा, इसमें मैश भर देंगे ना। और देखो इसको फिर बंद कर देंगे। अच्छा, ऐसे वो भी तो बनती थी गुंजिया। वो ही डाई वाली शेप की होती है। ये ऐसे भी बनते हैं और दूसरे टाइप के भी बनते हैं, वो भी बनाऊंगी मैं। ये देखो कोई भी डिजाइन बना सकते हो, गोल चौकोर कुछ भी, कैसे भी तरीके का। अच्छा। हाँ, मैं गोल भी बनाऊंगी। अब चटनी बना ली मैंने, ये देखो इसमें सूखी रेड वाली मिर्च और वो जो दुने भी दो हाँ, और टमाटर सेक के और लहसुन। अच्छा अच्छा, तो ऐसे बनाऊंगी मैं, कुछ गोल भी बनाऊंगी, आपको दिखाती हूँ गोल बनाकर। अच्छा, इसमें अलग अलग शेप बना सकते हैं ना, आनी चाहिए बस, है ना। तो अब ये कौन सी शेप है, ये मून शेप हो गई है, डी शेप है। अच्छा, डी शेप है, ये गुंजी शेप हो गई। हाँ गुंजी, हाँ डी शेप। अब मैं गोल बनाऊँ। मैथ में इनको शेप को डी शेप होता है, मैथ ज्योमेट्री में। अच्छा, अब ये पाजी तुसी गोल बना रहे। अच्छा जी, तो अब ये देखो गोल मोमोज कर रही है। आज बच्चों ने थोड़ा सा ऐसी बस ये देखो, ये मैंने गोल बनाया, डिमांड कर ली मम्मी से। ये देखो पूरा बंद हो गया अच्छी तरह। वही वाह, ये तो मोदक टाइप का बन गया। तो ऐसे ही सारे बनाऊंगी मैं, दोनों शेप देके, और फिर इनको हम स्टीम करेंगे, फिर आपको बना के दिखाएंगे। ठीक है। ये एक चीज वाली है मोमोज, चीज वाला मोमोज, सॉरी। ये देखो इसमें थोड़ा सा मैश और थोड़ा चीज भरूंगी मैं, जो बच्चे खाएंगे तो एकदम पिज्जा की तरह यम्मी यम्मी लगेगा इनको। यम्मी यम्मी, कोई सी भी शेप दे सकते हैं, मैं जरूर निये के गोली देंगे। ये देखो ये कौन सी शेप, नाव वाली शेप। अच्छा, हो गई। कोई सी भी शेप दे सकते हैं, कश्ती है? ये स्टीम हो जाएंगे, बिल्कुल अच्छे बनेंगे स्टीम। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। अब मतलब इन्हीं शेपों में सारी बनेगी ना, जो तूने आटा रखा हुआ था वो उसमें बना लिया तूने। हाँ। अच्छा, थोड़ा सा मैदा लिया है, अब ज्यादा मैदा नहीं लिया, उसमें आटा भी डाला। ये देखो आलू गोभी बनके तैयार हो गई। सही है भाई, ये मतलब जो हरा धनिया भी डाल दिया। अच्छा, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया बन गई भाई सब्जी। ये तो भाई वाह,
खुशबू बहुत अच्छी आ रही है यार। अब इसके साथ हम गरम गरम रोटी बनाएंगे। रोटी बना रही परांठे बना रही है यार, अभी तो तू बोल रही थी बच्चे वाले परांठे बना रहे, जो आप लोग बोलोगे वही बना दूंगी मैं। हाँ चलिए, तो यहाँ पे ये मैंने गैस ऑन कर दिया, इसमें पानी डाला है 2 गिलास। अच्छा अभी तू इसको वैसे हाथ से उठा रही थी ना। हाँ, गरम हो गया, गरम हो गया। और इस पे थोड़ा सा बटर लगाएंगे। मैडम जी आप तो घी बोल रहे थे, बटर घी कुछ भी लगा सकते हैं, जरूर नहीं है घी लगाओ। अच्छा जैसे बाहर दुकानदार नहीं होते, लोकल जो होते हैं ब्रश वाली, उसमें वैसे बुला देते हैं ना। हम तो ऐसे है ना, मतलब जो घर में होता है उसमें ही इतना बना लेते हैं। अच्छा, वो सांचे नहीं है मेरे पास। अच्छा सांचे, हाँ सांचे, जैसे हम इडली के सांचे होते हैं उसमें भी बना सकते हैं, मगर मेरे को ये इजी लगता है, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। ये मैंने 5 मोमोज बनाए हैं और पानी थोड़ा बॉईल होगा फिर मैं रखूंगी। अरे यार दोस्तों, चक्कर पता क्या पड़ रहा है, बच्चे हुए खुल चुके स्कूल और अगले महीने इनके एग्ज़ाम है फर्स्ट टर्म के, तो अब है ना घूमने का, तो कहाँ घूमने जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ बाहर जाएं। और अब सोच रहे कि एक ट्रिप मारे कहीं कहीं दूर की थोड़ी सी, पर अब बच्चों की छुट्टियाँ मिलेगी तभी जा सकते हैं, क्योंकि स्कूल से भी है ना मैसेज आ गया था कि सर ये बच्चे इनकी अटेंडेंस शॉर्ट हो रही है, क्योंकि मैं अभी इनको हरिद्वार भी लेकर गया था कावड़ यात्रा में। ये देखो तो पानी अच्छा बॉयल हो रहा है, अब मैं इसमें मोमोस रखूंगी। तो जब कावड़ यात्रा से आए थे तो बच्चे ना बीमार हो गए थे, क्योंकि पहली बार इतनी लंबी राइड करी थी बाइक स्कूटी से, तो खांसी जुकाम बुखार हो गया था, तो वो भी छुट्टी हो गई थी। अब 4 दिन की तो पहले मैंने इनकी छुट्टी ली थी स्कूल से, 4 दिन की और हो गई थी, 8-10 दिन की हो गई, तो मैडम का मैसेज आ गया था क्योंकि बच्चों की स्टे और अटेंडेंस शॉर्ट हो रही है। अभी तो और आ जाएंगे इसमें है ना। हाँ, मैं रखती हूँ, मैंने गैस सील कर दिया। अच्छा अच्छा, ये इसमें भर देगा, ये इसमें भर, ये किस चीज़ का मैच बता रही थी, गोभी और प्याज कद्दूकस करके, गरम मसाला और नमक और हींग। अच्छा। ये पूरा मिक्सचर बना के और मैंने इसको रख दिया, फिर खूब अच्छी तरह पानी इसका हाथ से निचोड़ा, पानी काफी निकल गया, उसके बाद में इसमें भर के फिर बना लिया। बहुत बढ़िया। अच्छा ये थोड़ा थोड़ा सामान तेरे पर रखा हुआ था ना, उसके बना दी। चल आज आलू गोभी बन रही है, उसमें से ही 2 फूल निकाल ली थी बच्चों को। चलो ये बच्चे स्कूल से आएंगे जब बोले होंगे तेरे को। हाँ, दिन में ही बोल दिए थे मम्मी आज मोमोस खाएंगे। जब आज मेरे को दिन को बोल रहे थे कि पापा बर्गर खिला दो, पर मैं तो खिलाया नहीं। मैंने सोचा बाहर का क्या बनाना, घर में ही खिला। अरे बाहर की बेकार होती है चीजें, पता है कब कब का मसाला यूज करते हैं उनका, तेल घी सब पहले पहले ये स्टीम होते रहेंगे। अच्छा, और मैं बनाती हूँ, मैंने इसको ढक दिया। ये देखो दोस्तों, हमारा ये मोमोज मेयोनीज चटनी तीनों बन के तैयार है, और ये 10 बनिए टोटल, और अब ये बहुत अच्छी लग रही है, शक्ल से तो बहुत अच्छी लग रही है, बाकी अभी बच्चे खाएंगे तो टेस्ट वो बताएंगे। फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।